गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बां तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनून गजल बात है, बहुत खूब, क्या जलवा, क्या जुनून। मैं आपकी मेज़बान हर्षिता गौर आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ। और इस किस के साथ हम अपने दूसरे मरहले के दूसरे दौर में पहुँच गए हैं, लेकिन उससे पहले आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे जज साहिबान का, मोहतरम कुलराज बेदी साहब और मोहतरम विकास आनंद जी। तो आज दूसरे मरहले का दूसरा दौर है, बकिया तीन फ़नकार यहाँ आके अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि जंग है और उस जंग के अंदर बिल्कुल रूहानी तरीके से और अपने जहन पर काबू रख करके उनको मुकाबला करना है। कहते हैं, किसी शायर ने कहा है कि कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत कि जिसमें जितना ज़र्फ है उतना वो खामोश है। बहुत खूब विकास जी, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे हमारे उम्मीदवारों से? कहते हैं कि मंजिल अपने आप करीब नहीं आती है, कामयाबी अपने आप करीब नहीं आती है, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत खूब, चलिए इसी के साथ आगाज करते हैं इस किस्त का। आप तो हमारी रिवायत से बखूबी वाकिफ हैं, हम हर किस्त किसी शायर के नाम मंसूब करते हैं, तो आज की हमारी ये किस्त जिस शायर के नाम मंसूब है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिर्ज़ा दाग देलवी की। आइए एक नज़र डालते हैं उनके हालात ज़िंदगी। दाग 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए, अभी 6 साल ही के थे कि उनके वालिद नवाब शमसुद्दीन खां का इंतकाल हो गया। आपकी वालदा ने बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू से शादी कर ली। इस तरह दाग कलाए मोहल्ला में बारियाब हुए, उनकी परवरिश वहीं हुई। बहादुर शाह जफर और मिर्जा फखरू दोनों जौक के शागिर्द थे, लिहाजा दाग को भी जौक से फैज हासिल करने का मौका मिल गया। दाग की जबान बनाने और संवारने में यकीनन जौक का बड़ा हिस्सा था। गदर के बाद रामपुर पहुँचे, जहाँ नवाब कल्ब अली खान ने दाग की कदरदानी फरमाई और बाकायदा मुलाजमत देकर अपनी मुसाहिबत में रखा। इकबाल, जिगर मुरादाबादी जैसे बड़े शायर दाग के शागिर्दों में शामिल थे। सन 1905 में फालिज की वजह से हैदराबाद में वफात पाई। तो आपने देखा उनके हालात जिंदगी और उनकी शख्सियत के बारे में। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे मेहमान फनकार जनाब हर्ष व्यास को कि वो आए और उन्हें खराज अकीदत पेश करें। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के नयाद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के नयाद हो, वही आने वादा निवाह का
वही आने वादा निभाह का तुम्हें याद हो के न याद हो वो जो हम तुम में करार था जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर वो करम के था मेरे हाल पर वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर वो करम के था मेरे हाल पर मुझे याद सब है जरा जरा मुझे याद सब है जरा जरा तुम्हें याद हो के न याद हो वो जो हम तुम में करार था तुम्हें याद हो के न याद हो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो के न याद हो वही आने वादा निभाह का तुम्हें याद हो के न याद हो वो जो हम में तुम में करार था। मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि ये दूसरे मरहले की शुरुआत है और इसके बाद कौन महफूज हलके में पहुँचेगा और कौन खारिज होगा इसका ऐलान पहले मरहले और दूसरे मरहले के नंबरों को मिलाकर किया जाएगा। तो इसी के साथ बुलाती हूँ अपने पहले फनकार को आदित्य सिंह गौर। तो आदित्य जी सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको दूसरे मरहले में पहुंचकर कैसा लग रहा है? मुझे बेहद खुशी है कि मैं दूसरे मरहले में पहुंचा हूं। काफ़ी अच्छे फनकार हैं यहां पर और गाने में मज़ा भी आ रहा है। सामने इतने गुणीजन भी हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। और क्या तब्दीलियाँ आपने अपने अंदर महसूस करी पहले से अब तक? मैंने ये महसूस किया कि उर्दू किस तरह से सही तरह क्या है, उर्दू को बोलना बोलने का तरीका क्या है, ये मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया है। और बाकी कोशिश यही करी है कि मैंने कि ज़्यादा अच्छे से गा पाऊँ जो सुनने में सभी को अच्छा लगे। गायकी के किसी अंदाज में आपने कोई तब्दीली महसूस की हो? मैंने ये महसूस किया है यहाँ पर आकर कि एक ठहराव या सुकून जिसे अपन बोलते हैं जो गज़ल गायकी में बड़ा ही ज़रूरी होता है, मैंने वो अपने अंदर महसूस किया है कि मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी गज़ल के साथ। आए जुबान पे राज़े मोहब्बत मुहाल है तुमसे मुझे अजीज तुम्हारा ख्याल है यार की कोई खबर लाता नहीं यार की कोई खबर लाता नहीं दम लबों पर है निकल जाता नहीं
ओ यार की, यार की कोई खबर लाता दिल गया ताकत गई सब कुछ गया दिल गया ताकत गई सब कुछ गया पर तसव्वुर आपका जाता नहीं पर तसव्वुर आपका जाता नहीं बिन तुम्हारे अब रहा जाता नहीं दम लबों जज साहिबान के पास। तो जज साहिबान, आपने इनकी गायकी में कोई ठहराव और कुछ तब्दीलियां आपने महसूस करी जो आई हो पहले मरहले से अब तक? देखिए, एक बहुत उम्दा गजलसरा हैं, लेकिन इनकी शख्सियत के बारे में आज कुछ कहना चाहूंगा। ये एक बहुत शातिर, बहुत समझदार, ज़हनियत को अपनी बिल्कुल काबू में रख के बहुत उम्दा गायक हैं, गुलकार हैं, गजल सरा हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि कहाँ सांस छोड़नी है, कहाँ पकड़नी है, कहाँ हरकतें लेनी है, कहाँ मेरी सांस खाली पड़ रही है और उस हिस्से से कैसे गुजर के जाना है। इनको वो सब चीज़ें हैं, और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इनके उस्ताद की भी, जिन्होंने इनको सिखाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाया है। और ऐसे ही बस आगे बढ़ें, तरक्की करें। आपको यकीन है कि आप कामयाबी का फूल लेकर जाएंगे यहाँ से? मैं यकीन तो इस बात का है मुझे कि मैं कोशिश पुरजोर अपनी करूँगा, बड़ी मेहनत करूँगा, और बाकी सब आप लोगों को अगर अच्छा लगा मेरा गाना तो सब आपके हाथ में है। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा गाऊँ और मैं जीतूँ यहाँ से। मतलब आपने हमारे ऊपर डाल दिया, हमको अच्छा लगे या नहीं लगे, कल को हमने कहा अच्छा नहीं लगा तो आप हमें बुरा कहेंगे? नहीं नहीं, मैं आपको क्यों बुरा कहूँगा, आप बड़े हैं, आप कहीं ज़्यादा मुझसे बुजुर्ग गुणी जन हैं आप लोग, तो मैं आपकी गलती कभी आपको कुछ बोल ही नहीं सकता मैं कभी भी। देखिए, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बड़ा छोटा वक्त होता है जी। जिस वक्त आप इस हारमोनियम पर बैठे हैं जी, आपके सुर लगे सच्चे जी, गजल आपकी, नहीं लगे दरवाज़ा आपका। बिल्कुल सही, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। क्या बात, बजा फरमाया आपने। तो चलिए, हम सरगम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बुलाते हैं अपने दूसरे फनकार को, जनाब अनवर। तो अनवर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको दूसरे मरहले में पहुंच के कैसा लग रहा है? जब मैं यहाँ आया था तो कुछ सहमा हुआ सा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है घर जैसा माहौल है, सभी गुणीजन या मेरे अपने।
चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी गजल का। मेरे गम की कोई दवा न थी, मेरे गम की कोई दवा न थी, मेरे गम की तलक सहते हम जुल्मो सितम, साहिबान मुझे तो बहुत खूब लगी इनकी गजल, पर फिर भी आपको आप क्या कहना चाहेंगे? अनवर मियां, मैं समझ नहीं पाया हूं कि ये गजल थी या गीत था। सर ये गजल ही थी, थोड़ी सीधी करके मैंने गाई थी इसको। हो सकता है इसमें कुछ खामियां रह गई हो, मैं आपसे सहमत हूं। नहीं, खामियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गजल और गीत की बात कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे गीत था। जैसी मुझे कंपोजिशन आई मेरे पास में, मैंने उसको निभाने की कोशिश की थी और वैसे मैं निभा पाया। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी किसी से इश्क किया है? सर वो अभी मकाम तो आया नहीं ऐसे कभी। आपको गज़ल के बारे में मालूम है? हाँ, गज़ल मुझे बहुत प्यारी लगती है, सुनता भी हूँ कुछ, और बहुत मज़ा है, सुकून है गज़ल में। उसके लिए आपको इश्क करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे सर। क्योंकि आपके जो अंदाज है वो इश्की अंदाज नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि आप आवाज़ कहीं जा रही है, आपका दिमाग कहीं और है, और बड़े मुरझाए हुए अंदाज में आप इस गज़ल को या गीत को पेश कर रहे थे, क्यों? शायद सर उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें थोड़ा सैडनेस था, उसके हिसाब से मैंने कोशिश की, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत रहूँगा। नहीं अनवर साहब, आप कोशिश कर रहे हैं, मैं देखा। जैसा मैंने आपको ताल के बारे में कहा, तो आज आप पूरी अपनी गजल के दरमियान गिनते रहे, वो बहुत अच्छा है, और आपकी कोशिश आज कामयाब भी हुई। बस जो साहब ने कहा उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, दूसरी तरफ एक पहलू पर ध्यान दीजिए कि अपनी गज़लों के अंदर थोड़ी सी ताजगी लाइए। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा सर, शुक्रिया। तो अब अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने आ रही हैं हमारी तीसरी फनकारा अनन्या बसु। तो अनन्या जी, वही एक सवाल जो हम सबसे पूछते आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको दूसरे मरहले तक पहुंच के? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं वहाँ तक यहाँ तक पहुँची हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो क्या सीखा आपने, क्या तब्दीलियाँ महसूस की? गायकी में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है और मिल भी रही है, और
उर्दू के जो तलफ़ुज़ होते हैं वो किस तरह से बोले जाते हैं, किस तरह से हम लोग पेश करते हैं, गज़ल में कितना ठहराव होना चाहिए गाने के हिसाब से, तो वो सब कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए इसी सीख के साथ हम आगाज़ करते हैं आपकी गज़ल का। जी शुक्रिया। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या साहिबान, कैसी लगी अनन्या जी की गजल? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। और फिर से कहूँगा कि अल्लाह मियाँ ने बाबुलंद आवाज से नवाजा है आपको। संभाल के गाइए, अच्छे से गाइए, आसमान तक जाइए, पांव जमीन पर रखिए।
जी सर। अनन्या जी, तुम्हारा नाम किसने रखा है? मम्मी ने। क्यों पापा ने नहीं रखा? हा? पापा ने पहला कुछ और सोचा था। अच्छा। पापा ने पहले अपर्णा सोचा था, तो अपर्णा मेरे फैमिली में मेरी बड़ी सिस्टर का नाम है, कजिन। इसका मतलब क्या हुआ अनन्या? अनन्या का मतलब अनन्य, जिसका कोई तुलना नहीं होता, अपरंपार। अच्छा अच्छा, तभी आपकी कोई तुलना नहीं है किसी। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई है ना? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नाम के साथ अपना दिखा सकूँ, अपना टैलेंट गाने के माध्यम से। आपकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत है जी। और जब आप आसमान तक जाती हैं जी, तो उसमें और मजा आता है जी। कोशिश कीजिएगा जी। सर बिल्कुल, यहाँ तक तो पहुँच गई हैं जी, आगे रास्ता बड़ा मुश्किल है जी। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं और अच्छा गाने की कोशिश करूँगी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ पे, सब बहुत तैयार कंटेस्टेंट्स हैं। ख़ास तौर से मुझे डर लगता है आदित्य, गिरीश जी, सो वो लोग बहुत ही काफ़ी अच्छे हैं। उनसे मैं फ्री टाइम जब मिलता है, मैं बात करती हूँ कि इसको कैसे गाया जाता है, कैसे क्या करते हैं। इन दोनों से आपको डर लग रहा है? डर मीन्स मेरा कहने का मतलब है सर कि जी जी, मैं समझ गया समझ गया जी। समझ गया समझ गया। बाबा साहब, आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपके अब्बा बुजुर्ग को लगे कि अपर्णा जीत गई, आपकी अम्मी को लगे अनन्या जीत गई जी, हमें लगे कि आप जीत गई जी। सर शुक्रिया। चलिए अनन्या जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप आसमान की बुलंदियों को छू पाएंगी जी। शुक्रिया। इसी के साथ हमारा दूसरा मरहले का पहला दौर यहीं खत्म होता है। आपने आज तीन फनकारों को सुना, और अब बकिया तीन फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे हमारी अगली किस्म में। चलिए तब तक इस खादिम उर्दू को इजाज़त दीजिए,